नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चाट। चाट की रेसिपी के लिए हमें चाहिए मटर, जो हम लोग इसको 10 घंटे तक पानी में भिगो के रखे हैं। 2 मीडियम साइज आलू, 2 टमाटर, 1 प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 हरी मिर्ची। और अब हम लोग इसको सब कुकर में डालेंगे। मटर को पहले हम लोग डाल देते हैं। अब हम लोग इसमें आलू डाल देंगे और फिर इसमें हम लोग टमाटर डाल देंगे। हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। ये जल्दी और टेस्टी चाट रेसिपी है। और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। अब हम लोग इसमें मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच काला जीरा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक। अब हम लोग इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटर को पकने में टाइम लगता है, इसलिए इसमें हम लोग 2 कप पानी डालेंगे। देखिए, पानी ऐसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब हम लोग इसको गैस पर 8 सीटी लगने तक रख देंगे। ढक्कन को बंद करें, इसको हाई फ्लेम पर 5-6 सीटी तक लगाएंगे। जब तक मेरा मटर उबल रहा है, तब तक हम लोग हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी के लिए हम लोग धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक और मिर्ची, इसको हम लोग एक जार में डालते हैं। और ये नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से, ये देखिए मेरी हरी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग पापड़ी की तैयारी कर लेते हैं। हम इसमें लेंगे मैदा 1 कप, अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ज्यादा की दरकार नहीं है, बस हल्का सा। स्वाद अनुसार नमक, चम्मच अजवाइन और हम लोग इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको ज्यादा गूंदना नहीं है, बस ऐसे इसको गोल कर लेना है। सॉफ्ट सा आटा तैयार नहीं करना है। देखिए, बस ये आटा ऐसा ही रहा, एकदम रूखा रूखा ऐसा ही रहेगा। अब हम लोग इसको फिर से भी लोइया बना लेते हैं। तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे लोइया बना लेते हैं। देखिए, हम लोग इसको ऐसे बेल लेंगे।
छोटी छोटी पूरी के जैसा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और हम लोग इसको एक जगह ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे हम लोग पांच पांच पूरी जैसा बना के रख लेंगे और फिर इसे ऐसे फोक से कर देंगे। एक के एक ऊपर रखा हुआ है, ये सटेगा नहीं, ये छानते समय अलग हो जाएगा। बस लगभग मेरा मटर बैठे हुए 20 मिनट हो चुका है। अब हम लोग गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा इसको रेस्ट होने देंगे, उसके बाद खोल कर देखेंगे कि पक गया है या नहीं। उसके बाद हम लोग ये पापड़ी को तल लेते हैं। एक पैन लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें हम लोग रिफाइंड तेल डाल देंगे। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल मेरी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, हम लोग फ्लेम को कम कर देंगे और हम लोग एक साथ सारे पूड़ियाँ एक के ऊपर एक डाल देंगे। देखिए मेरे पापड़ी एकदम अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इसका कलर, यही कलर रहना चाहिए। ये देखिए मेरी पापड़ी, अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना कुरकुरा हुआ है, आप लोग भी इसको ट्राई करें, इसका आवाज़ सुनिए। देखिए कितना कुरकुरा है, ऐसे ही आप लोग भी ट्राई करें। अब हम लोग पापड़ी को चाट को सजाकर दिखाते हैं। इसमें हम लोग डालेंगे चाट, पापड़ी को ऐसे तोड़कर, ऐसे कटी प्याज, टमाटर, धनिया, हरी चटनी, ये खट्टी मीठी इमली की चटनी, दही, इसके ऊपर से ये सेव, इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। ये देखिए मेरी चाट का फाइनल लुक। ट्राई करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।